नमस्कार, मैं विकास आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं होराइजन हिंदी न्यूज में। दोस्तों, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं और इसी दिन 1950 को भारतीय संविधान एक्ट 1935 को हटाकर हमारे संविधान को लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने के लिए और देश में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ इसे लागू किया गया। अजमेर के पटेल मैदान में भी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा द्वारा तिरंगा फहराया गया और वहां पे सभी उपस्थित जनों ने तिरंगे को सलाम लिया। होराइजन हिंदी न्यूज की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। Long years ago, we made a tryst with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तेरे हर सुख दुख में मेरा नीला चक्र और तीन रंग यूं शामिल जैसे युग युग से गंगा जमुना है संग 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 मेरी एक सदी की है दास्ता, तेरा सदियों का है से है थामे हाथ हम छू डाले है कितने आसमान। आज कठिन गर है सफर, रख हौसला तू फिकर न कर, बस हाथ ना ये छूटे कभी है सामने एक नई शहर। गम और सितम की चाहे रात हो, बन रोशनी में तेरे संग खड़ा, हर आँख के आंसू पोंछ सकूं, दामन मेरा है इतना बड़ा। कोई धर्म हो कोई जात हो, हम साथ थे हम साथ हो, नफरत को प्यार से जीत कर बस जोड़ने की बात हो, जोड़ने की बात हो, बस जोड़ने की बात हो। मेरी एक सदी की है दास्ता, तेरा सदियों का है कारवा, जब से है थामे हाथ हम छू डाले है कितने आसमान। सत्तरवें गणतंत्र दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबी लड़ाई, त्याग, बलिदान और तपस्या के फलस्वरूप हमारा देश आजाद हुआ और आज ही के दिन हमारे देश को एक गणतंत्र की स्थापना हुई। मैं इस मौके पर देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज़ादी के बाद इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जिन सेना के जाबाज सैनिकों ने, हमारे पुलिस फोर्सेज ने और जिन भी लोगों ने देश की सीमाओं की हिफाजत करते हुए अपनी शहादत दी, उनको भी नमन करता हूँ। ये दिन हमारे लिए एक प्रेरणा का दिन है कि कैसे देश के अंदर अलग अलग भाषा, अलग अलग खानपान, अलग अलग पहनावा, अलग अलग धर्म और मजहब को मानने वाले अलग अलग जाति समाज के लोग पूरे देश के
अंदर रहते हैं तो हमारी अनेकता में एकता की जो संस्कृति है वो हमारी विरासत है, और इस विरासत को सहेजने के लिए आपसी प्रेम, भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव, जातीय सद्भाव, इसको बनाए रखते हुए कैसे राष्ट्र निरंतर प्रगति करे, हम सब लोगों का आज ये संकल्प रहना चाहिए। राजस्थान में नई सरकार बनी है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में सरकार ने सरकार गठन के साथ ही जो जन चुनावी घोषणा पत्र था पार्टी का, उसको सरकार की कार्य योजना का अंग बनाया। और ये बात लोकतंत्र में चुनाव से पहले राजनीतिक दल बात कुछ करते हैं, सत्ता में आने के बाद उन बातों को भूल जाते हैं, लेकिन ये हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे सरकार गठन के बाद पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में जो जन चुनाव घोषणा पत्र था पार्टी का, उसको सरकार की कार्य योजना का अंग मंत्रिमंडल ने बनाया। और पहले मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों का कर्जा माफ करने की जो बात चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने की थी, उसकी घोषणा हुई, उसको अमलीजामा पहनाने का काम चल रहा है। चाहे सहकारी बैंक हो, सरकारी बैंक हो, निजी बैंक हो, भूमि विकास बैंक हो, सब तरह के किसानों के 2 लाख तक के कर्जे हमारी सरकार माफ करेगी। आज के गणतंत्र दिवस की पावन पर्व पर बहुत बहुत हृदय के अंतर से आपके व्यूवर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इसमें ही शब्द में छुपा हुआ है गण का तंत्र। जिस प्रकार से गण है वो एक तंत्र से चलना चाहिए। देश का संविधान बना हुआ है, संविधान के अनुरूप हम इसकी पालना करने के लिए चलेंगे, उसको मानेंगे, निष्ठापूर्वक चलेंगे। ऐसे ही संकल्प के साथ आज सबको हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं अजमेर वासी और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामना देती हूँ। हर साल की बात ही, इस साल भी हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और जिला परिषद में आज हमारे उत्तर विधानसभा के विधायक आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब वासुदेव देवनानी जी पधारे हैं। और हर साल की बात ही, इस साल भी हमने 88 ऐसे उत्कृष्ट हमारे कर्मचारी अधिकारियों को हम लोगों ने सम्मानित किया। वे पूरे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज मैं 17वें गणतंत्र दिवस पर अजमेर वासियों को, प्रदेश वासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो गण का तंत्र है, और आज के दिन कुछ लोग पुरस्कृत भी होंगे, उन सबसे अपेक्षा करूँगा कि वे इस तंत्र के माध्यम से गण की सेवा करें, अच्छे से अच्छा काम करें, ताकि जनता के मन में एक खुशहाली का भाव आए। हम सब लोग मिलकर के इस गणतंत्र को मजबूत बनाएं। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संपूर्ण राष्ट्र गौरवान्वित है, देश का 17वां गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दी, उसकी आज 17वीं वर्षगांठ के रूप में गणतंत्र दिवस का आज आयोजन हमारे अजमेर शहर में दिया जा रहा है। और मैं पूरे ज़िले में सभी अपने ज़िलेवासियों को इसकी शुभकामनाएँ देता हूँ। और ये गणतंत्रता दिवस हमारे लिए हर साल आए और खुशियां लेके आए, यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं। हेलो, इस गणतंत्र दिवस पर मैं देश के सभी नागरिकों को, प्रदेश की सभी नागरिकों को और अजमेर जिले के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये अपेक्षा रखता हूं और परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूं, हमारा देश इसी तरह प्रगति करता रहे, इसी तरह आगे बढ़ता रहे। ये देश जिस तरह से स्वतंत्र होने के बाद और गणतंत्र जब हमने अपना लिया उसके बाद जिस तरह का विकास किया, ये विकास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। सबको शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज गणतंत्र दिवस में सभी अजमेर के मेरे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र के पर्व के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि जो गणतंत्र की मूलभूत भावना है, एक टीम वर्क करके देश को जो अपना संविधान बना है, उसी जो उद्देश्य बना है, उसको अपन निरंतर प्रयास करते हुए अपना देश उज्ज्वल और बहुत अच्छी प्रगति करे, ऐसी सबको शुभकामना। दिवस के शुभ अवसर पर अजमेर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। मंगलमय हो आगे का जीवन,
धन्यवाद। भारत के 70वें गणतंत्र को के अवसर पर अजमेर के तमाम नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि जो लोकतंत्र का सुंदर फूल हमारे देश में खिला है ये आगे प्रफुल्लित हो, आगे बढ़े, आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को हम ज़्यादा सुंदर बना पाएं। इसी कामना के साथ अजमेर के तमाम लोगों को इस गणतंत्र दिवस के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस है जिसकी मैं समस्त अजमेर वासी पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज बड़े जोश के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। कल दरगाह से भी एक बड़ी तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था ताकि इसका एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में बना सकें और यहाँ बहुत ही उमंग उत्साह के साथ राष्ट्रीय पर्व के रूप में अभी 26 जनवरी मनाया जाएगा जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक झलकियाँ होंगी, कई जो झांकियाँ हैं विभिन्न विभागों की वो भी होंगी, पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा और बेहद अच्छा और बेहद सुखद माहौल है और हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस पर सभी प्रदेशवासियों और जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उनका भविष्य उज्ज्वल रहे और आनंदित रहे। इसके शुभ अवसर पर सभी जिले के प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य के अंदर मैं पूरे अजमेर जिले के वासियों को शुभकामना संदेश देता हूं और जिस तरह से गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह से भारतीय संविधान लागू किया गया उन सभी को नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को, अजमेर वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा साल पूर्व की तरह उत्कृष्ट सेवाएँ अजमेर की जनता को देते रहेंगे।